अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज मैं आपके सामने पर्शियन के नोट्स को रीड करने वाली हूँ, जो आपको बीए के जो फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स होते हैं, जिन्होंने पर्शियन ली होती है, उनके लिए बहुत फ़ायदेमंद होने जा रही है ये वीडियो, क्योंकि पर्शियन में नोट्स बहुत कम मिलते हैं लोगों को, बच्चों को बहुत कम मिलते हैं। तो जिनके पास पर्शियन हो जाती है ले लेते हैं, तो वो नेट पे तलाश करते रहते हैं और उनको नहीं मिलती है। तो मैंने सोचा कि आज मैं आपकी इस चीज़ में मदद करूं। तो ये मेरे जो आपको नोट्स दिख रहे हैं, मैं इसको पढ़ के आपको सुनाऊंगी। आपको अभी मैं ये ऐसे दिखा रही हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं पढ़ के आपको सुनाती रहूँगी। इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अगर आपने ले लिया हो इसका स्क्रीनशॉट, तो आप मैं इसको पढ़ के सुनाती हूँ आपको। तो आप इसके नोट्स बना लीजिए, एक अच्छे मार्क्स आएंगे फिर आपके एग्ज़ाम में। ये आपके लिए एक बहुत बेनिफिट होगा वीडियो, बेनिफिशियल होगा वीडियो। और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो आप इसे शेयर कर दीजिएगा, ताकि इससे दूसरे बच्चे भी फ़ायदा उठाएं। और प्लीज़ सब्सक्राइब, अगर आपको अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए अब मैं इसे पढ़ने जा रही हूँ, तो आप इसे गौर से सुन लीजिएगा। अब आपने शायद स्क्रीनशॉट ले ही लिया होगा, तो अब मैं आपको पढ़ के सुना देती हूँ उसको। सामान्य दौर में काबूसनामा की जो मैंने आपको बताया रीडिंग करने जा रही हूँ, तो आप इसे गौर से सुनिएगा, क्योंकि आप स्क्रीनशॉट ले चुके हैं। तो आगे बढ़ते हैं। सामान्य दौर में कई आज़ाद हुकूमतें कायम हुईं, इनमें आले ज़ियाद भी एक बड़ा ख़ानदान गुजरा है। इस ख़ानदान के जानशीनों में काबूस बिन बिशमगीर बहुत मशहूर हुआ है। ये इल्म दोज़ हिकमरान था, जो खुद शायर था और अरबी और फारसी दोनों ज़माने में शेर कहता था। ये वो हिकमरान हैं जिसने अबुल बहरान, अबू अल बहरान, अल बैरूनी जैसे नामवर आलिम की परवरिश की। अबू रेहान ने अपने